नमस्कार डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स एन सी आर टी यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग आप सभी के लिए लेकर आई है हमारी ये वेबिनार सीरीज लिसनिंग टू लर्न जिसे हम कहेंगे सुने और सीखें मैं हूं तानवी खुराना और इस वक्त आप हमें देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर नौ दस ग्यारह और बारह पर आज हमारा पिचत्तरवा सत्र है यानी कि सेवेंटी फिफ्थ सेशन है और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बातचीत करने वाले हैं वो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये जो हमारा टॉपिक है ये जुड़ा हुआ है हमारे पिछले सत्र से जहां हमने बात की थी ट्यूबरकुलोसिस के अवेयरनेस के बारे में और आज हम बातचीत करने वाले हैं रीसेंट एडवांसेस इन ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोस्टिक्स के बारे में यानी कि श्रेय रोग निरूपण में अभिनव उन्नतियों के बारे में और अगर आपके पास कोई सवाल है कुछ भी पूछना चाहते हैं कोई भी ऐसा सवाल है जो टी से जुड़ा हुआ है और आप हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो हमसे कृपया जुड़िएगा आप चाहें तो हमें फ़ोन कीजिए नंबर है आठ आठ शून्य शून्य चार चार शून्य पाँच पाँच नौ बताना चाहेंगे अगर आपने हमारे पुराने सत्र नहीं देखे हैं आज दो साल से भी ऊपर हो चुका है हमारा ये कार्यक्रम शुरू हुआ और अगर आपने पुराने कार्यक्रम नहीं देखे हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आप किस प्रकार आप उन्हें देख सकते हैं एन -E के इवेंट सेक्शन में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर इस वक्त एक लिंक भी डिस्प्ले हो रहा है आप उस पर जाकर हमारे सभी सत्र देख सकते हैं और हमारे जितने भी टॉपिक्स हम यहाँ पर लेते हैं वो आपके सजेशंस पर भी लिए जा सकते हैं आने वाले वक्त में आने वाले समय में अगर आप हमें कोई भी टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं कुछ भी जानना चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में तो आप हमें भेज सकते हैं अपने सजेशंस अपने एडवाइस आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं आपको सिर्फ हमें भेजना है अपने सजेशन्स और हम उन पर ज़रूर फीडबैक ले अमल करेंगे अब हम आपका परिचय करवाना चाहेंगे हमारे आज के मेहमान से हमारे आ, साथ हैं हमारे को होस्ट हमारे साथ हैं इस पूरे प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर जिनका ब्रेन है इस पूरे प्रोग्राम इस पूरी वेबिनार सीरीज़ के बिहाइंड तो लेट मी प्लीज़ इंट्रोड्यूस डॉक्टर गागन गुप्ता फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स नमस्कार sir. नमस्कार सर और आ, मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर हमारे जो आज के खास मेहमान हैं जिन्हें हम अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं उन्हें प्लीज़ इंट्रोड्यूस करवाइएगा और जो हमारा आज का टॉपिक है उसके बारे में भी छोटा सा ब्रीफ़ ज़रूर दीजिएगा सर धन्यवाद धनवी सादर प्रणाम दोस्तों आ, मेरे साथ मेरे दोस्त डॉक्टर संजय राजपाल आज मेरे साथ हैं डॉक्टर राजपाल आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियोज में और साथ में ही हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं शुरू में ही न्यू दिल्ली ट्यूबर क्लासेस सेंटर का जिन्होंने कि हमारे साथ एक एसोसिएशन लगातार बनाए रखा है और हमारे साथ कोलाब्रेट कर रहे हैं दोस्तों आज का ये प्रोग्राम आप जानते हैं कि लगभग ढाई साल पहले शुरू हुआ था जैसा कि मेरी साथी तनवी ने बताया हमने हेल्थ से जुड़े हुए इशूज़ पर न्यूक्लियर सेफ्टी के साथ जुड़े हुए इशोज़ पर बैटरीज के इशोज़ पर पावर सोर्सेज़ के इशूज़ पर हेल्थ से जुड़े हुए बहुत सारे इशूज़ को हमने लिया जिसमें दिल की सैर फेफड़ों की सैर पिछले सत्र में हमने ट्यूबर क्लासेस पर आपके अवेयरनेस के बारे में बात की थी जिसमें कि हमारे साथ डॉक्टर के डॉक्टर के के चोपड़ा हमारे साथ थे आज उसी क्रम में हम एक बार पुनः ट्यूबर क्लासेस जो कि सबसे बड़ा महामारी मानी जाती है विश्व में उसके उसी टॉपिक पर हम एक बार फिर से आपके साथ बात करना चाहते हैं पिछली बार हमने अवेयरनेस के बारे में बात की थी आज हम ट्यूबर क्लासेस को किस तरह से डायग्नोसिस किया जाता है किस तरह से उसकी पहचान की जाती है क्या क्या उसमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं जैसे एक्स रेज़ हैं एम आर आईज़ हैं सी टीज़ हैं एफ़ एन ए सी हैं डॉक्टर चोपड़ा ने भी इन सब टेक्निक्स के बारे में बात की थी उन्हीं सब टेक्निक्स के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मेरे दोस्त डॉक्टर राजपाल हमारे साथ हैं स्टूडियो में हैं वो अभी आपसे बात करेंगे इस विषय पर आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए जैसा कि मेरी साथी तनवीर ने बताया कि आप हमारे पुराने सारे एपिसोड्स हमारे एन सी ई आर टी एन आई सी डॉट इन जो कि हमारी वेबसाइट है उसके इवेंट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं एक बार पुनः उसका लिंक आपके साथ शेयर किया जा रहा है दोस्तों आगे आने वाले सत्र में हम लोग आपके साथ बहुत सारे एक्साइटेड टॉपिक्स लेकर के आने वाले हैं जिसमें कि नेवल आर्किटेक्चर मेरीन बाउंड्रीज़ इंग्लिश में फोनेटिक्स किस तरह से यूज़ होते हैं न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम्स एल ई डीज लाइट एबिटिंग डायोड्स, इन सब विषयों से जुड़े हुए कई सारे सत्र हम आपके साथ लेकर आने वाले हैं आपके पास कुछ सुझाव हो तो आप हमें ज़रूर लिखिए आप हमें ज़रूर बताइए आपके सुझाव हमें बहुत मदद करते हैं और हम आपसे वादा करते हैं कि आपके सुझाव के अनुसार हम ज़रूर इस अपने सत्रों में अपने इस प्रोग्राम में उन विषयों के आधारित सत्र लाएंगे। तो दोस्तों अब मैं आपके मुलाकात कराता हूं अपने आज के गेस्ट आज के स्पीकर डॉक्टर संजय राजपाल से जो कि आ, हमारे साथ इस समय स्टूडियो में है एक बार पुनः डॉक्टर राजपाल ना, आपका ना। स्वागत है और एक बार पुनः मैं ध्यान अपने व्यक्तिगत तौर पर भी और एन के बिहाफ पर भी आप सभी का स्वागत करता हूँ और न्यू ट्यूबर ट्यूबोकलोसिस सेंटर का लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ क्योंकि उन्होंने लगातार हमारे साथ एसोसिएशन बनाए रखा है और आई एम श्योर कि आगे आने वाले दिनों में भी ये कोलाबोरेशन लगातार बना रहेगा दोस्तों आज दिल्ली थोड़ा सा अच्छा हो चला है मौसम अच्छा हो चला है थोड़ी सी हल्की हल्की सी एक हवा चल रही है एक अच्छा मौसम है दोस्तों अब इसी अच्छे खुशनुमा माहौल में मैं डॉक्टर राजपाल का आपके साथ मुलाकात कराना चाहता हूँ डॉक्टर संजय राजपाल इज प्रजेंटली द डायरेक्टर इन टिम ऑफ द न्यू दिल्ली टूम सेंटर स्टेट टी बी ट्रेनिंग एंड डेमोस्ट्रेशन सेंटर एंड इंटरमीडिएट रेफरेंस लेबोरेटरी न्यू दिल्ली डॉक्टर राजपाल ऑप्टेंट हिज बैचलर्स डिग्री फ्रॉम द प्रेस्टिजियस मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली and top-disposed graduate batch at Vallabhai Patel Chess Institute, New Delhi. The research interests of Dr. Aspal include asthma, allergy, multi-drug resistant tuberculosis which is also known as MDR-TB and active case finding ACF. Dr. Aspal is the assistant associate editor of the Indian Journal of Tuberculosis and also has over 55 scientific publications to his credit. Dr. Aspal has also been a facilitator for various national and state level training programs, and has also participated in more than five hundred fifty continuing medical education programs, which are known as CMEs. With his excellent services in the area of medical sciences, Dr. Aspal has been conferred with several awards, including the R. Vishwanathan Award of the University of Delhi, Dr. B. K. Sikand Gold Medal Award from the Tuberculosis Association of India. To the great extent to the uh, to uh, great credit to Dr. Raspal. Uh, the high health related quality of life, which is called acronymed as HRQL score, is named after the co-authors co of this program. As this score, Dr. dhingra and Dr. Raspal, and this score is called popularly called DR12 score, D R 12 uh, score. Welcome once again, Thank Dr. Dr. Raspal, it is all yours now. Thank Please. you so much, Dr. It is a privilege and a pleasure to be here and talking to all of you about uh, recent advances in diagnostics. Especially, the objective of our presentation today is how do we diagnose active pulmonary TB disease, extra pulmonary TB disease, and the killer TB that is the drug resistant TB, MDR and XDR. MDR and XDR is the, uh, the disease that kills a lot of people. First information that is, one out of four TB cases is living in india that is 25% may that be incidence every year we have 26 lakh cases that is one fourth of the world incidence we have roughly 4 lakh deaths in 3 minutes around 2 tb patient die in india that's again one fourth of mortality of the world then MDR TB is around roughly 1.2 to 1.3 lakh every year, and that's again roughly one fourth of the world. And this is the killer TB, what we call call as Singh of TB, because it kills TB. And that is why WHO started an End TB program, in which they have put a specific target of decreasing mortality by 95% by 2035. Indian government has taken this as a challenge and declared 2025 as the year to achieve this target because it is the mortality that we have to decrease the death rate. हम चाहते हैं कम से कम मौतें हो टीबी से। ये 2035 पे WHO ने कहा है 95% कम करो। Indian सरकार ने 2025 का target रखा और इस समय TB का program National TB Elimination Program है। TB हम सब जानते हैं कि infectious disease होता है जैसे COVID होता है। और जब तक COVID नहीं आया था और COVID के जाने के बाद नंबर वन किलर इन द वर्ल्ड इन इन्फेक्शन डिजीजे ट्यूबक्लोसिस इट इज़ कॉस बाई अ बाइकोबैक्टीरियम ट्यूबकलोसिस दैट इज अ बैक्टीरिया सबसे कॉमन ये फेफड़ों में होता है इसको हम पलमरी टीबी कहते हैं या लंग टीबी मगर टीबी पूरे शरीर के हर भाग में हो सकता है उसको हम एक्स्ट्रा पलमरी आउटसाइड द लंग टीबी कहते हैं इसका ट्रांसमिशन जैसे कोविड का होता है बिल्कुल वैसे होता है ड्रॉपलेट न्यूक्लिया है मतलब जब एक व्यक्ति जिसको टीबी है पलनरी टीबी क्योंकि वही इन्फेक्शस होता है जब वो खांसता है छींकता है या बोलता है तो जैसे आप ये स्किंटीग्राफ इट इज़ वन टू फाइव माइक्रोस बहुत छोटा सा होता है टीबी बैसिलस बैसलस निकीड आय से नहीं दिखता बट आप यहाँ देख सकते हैं स्किनटीग्राफ़ी कैमरा से जब व्यक्ति खांसता है तो हज़ारों लाखों टीबी बी बैसलस वो हवा में फेंकता है और एक टी बी भी हमें इन्फेक्ट कर सकता है तो सिम्टम्स ऑफ टी दो हफ्ते ज़्यादा की खांसी ब्लड आ जाए खांसी के अंदर या लो ग्रेड फीवर शाम के टाइम आता है हंड्रेड से ऊपर भी जाता है सुबह अपने आप अप उतर जाता है मोर देन टू वीक्स या वेट लॉस हो जाए किसी व्यक्ति में या अगर आप कोई एक्सरे कराएं उसके अंदर कोई एबनॉर्मैलिटी आ जाए कोई शैडो इन्फिल्ट्रेशन आ जाए तो यू शुड थिंक टी बी स्पेशली इफ यूर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लाइक डायबिटीज़ एच आई आप स्टेरॉइड्स खा रहे हैं किसी बीमारी के लिए चाहे कोई ऑटोमिन बीमारी हो एस्तमा हो या कोई आपको कोई मेलिग्नेंसी हो तो उसके अंदर इम्यूनोसप्रेस थेरेपी चलती है ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो तो ये केसेस के अंदर कभी भी आपको ये लक्षण आए तो प्लीज थिंक टी बी वाई अर्ली एंड एक्यूरेट डायग्नोसिस मैटर्स बिकॉज एक टू के अंदर एक पेपर छपा था यूनियन के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट जर्नल है उसके अंदर उन्होंने कहा था कि इंडिया के अंदर पलरी टीबी डिजीज का जो पेशेंट है वो करीब दो महीने एवरेज लेता है डायग्नोज होने के लिए और तीन हेल्थ के प्रोवाइडर के हाथों से निकलता है तो ये एक बहुत बड़ा मैं आपको एक चीज बताऊं अगर पूरे इंडिया के अंदर इस समय इत, इतना साउंड प्रोग्राम है टीबी का कहीं भी जाके आप बलगम की जाँच कराएं दो दिन के अंदर आपको डायग्नोसिस मिल जाएगा अगर बलगम में टीबी है वरना एक्सरे करके उसके बाद मिल जाएगा टू मंथ इज अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड एक स्पूटम पॉजिटिव पेशेंट 10 से 15 लोगों को इन्फेक्ट करता है और अगर दो महीने में वो डायग्नोज होगा तो तब तक कितने उसके फैमिली के और वर्क प्लेस के लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे फिर वो आगे पेशेंट बनाएंगे और ये विश्व साइकिल संक्रमण की चलती रहेगी इसलिए हमें देखना है जल्दी डायग्नोज करना है अब डायग्नोस करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्लिनिकल सस्पिशन जैसे मैंने आपको सिम्टम्स बताया कि वेट लॉस खांसी बलगम के अंदर खून आ गया तो इस पर तो हर एक भी पेशेंट आ जाता है बट जब थोड़ी थोड़ी खांसी होती है हल्का सा बुखार होता है पता नहीं लग रहा तो डिले हो जाता है इसलिए क्लिनिकल सस्पीशियन इज़ द लीस्ट रिलायबल इट इज़ फॉलोड बाई रेडियोलॉजी इसके अंदर एक्सरे है अल्ट्रासाउंड सी टी स्कैन एम आर आई ये भी इतना रिलायबल नहीं होता जो सबसे रिलायबल टेस्ट है वो है एफ बी स्मियर, यानी कि स्मियर टेस्ट जेड एंड स्टेन ये 1882 में दिया था रॉबर्ट कॉक ने आज भी ये बैकबोन ऑफ टीबी डायग्नोसिस है अगर ये पॉजिटिव है तो हम 99 परसेंट कह सकते हैं ये टीबी है और इसके साथ कल्चर है जो 100 परसेंट गोल्ड स्टैंडर्ड है कल्चर की एक प्रॉब्लम है वो दो महीने लेता है लंबा टेस्ट होता है मगर अभी पिछले दस साल के अंदर ऐसे टेस्ट आए हैं मोलिकुलर डायग्नोस्टिक हाई एंड टेस्ट फॉर टी जिसको जीन एक्सपर्ट या सी वी कहते हैं जो कुछ ही देर में बहुत बढ़िया सेंसिटिविटी से हमें डायग्नोसिस देते हैं सबसे पहला मैं चेस्ट एक्सरे के बारे में एक चीज़ कहूँगा ये एक्सिलेंट स्क्रीनिंग टेस्ट है इसकी सेंसिटिविटी हाई है मगर इसकी स्पेसिसिटी यानी एक्सरे में अगर कोई निशान आ जाए तो आप हंड्रेड परसेंट नहीं कह सकते निशान देख के टीबी है क्योंकि यहाँ पे मैं ये स्लाइड एक बोलूँगा कि एक्सरे के अंदर अगर निशान आ जाए तो टीबी के साथ पंद्रह बहुत कॉमन डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं जैसे निमोनिया सार्कोइडोसिस बेलेग्नेंसी इंटस्टिशल लंग डिजीज तो आप हर एक शैडो को एक्सरे में नहीं कह सकते कि ये टीबी बी एक्सरे में आ गया और एक और चीज़ यहाँ बोलना चाहूंगा हर एक खांसी टीबी नहीं होती अगर किसी को दो हफ्ते ज़्यादा की खांसी है तो वो टीबी हर एक टीबी नहीं है 80 परसेंट वो टीबी नहीं है इसलिए अगर एक्सरे नॉर्मल आता है तो हमें तो पता लग जाता है कि टीबी नहीं है और ये खांसी या तो एस्थमा की है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की अपर स्पिट्राइट इन्फेक्शन है तो उसका इलाज अलग हो जाता है तो 80 परसेंट खांसी इज नॉट टीबी इट इज एक्सरे से ही पता लग जाता है बट एक्सरे के अंदर अगर टीबी आ जाए तो हमें उसको कंफर्म करने के लिए स्पूटम टेस्ट कराना जरूरी है हम दो स्पूटम टेस्ट करते हैं उसी के स्पॉट सैंपल और एक ओवरनाइट सैंपल लेते हैं और आजकल नए टेस्ट आए हैं जिसके ऊपर ये सेमिनार हमने आज बेस किया है जो इतने बेहतरीन टेस्ट है जीन एक्सपर्ट सी बी नाइट ये मोलिकुलर डायग्नोस्टिक टेस्ट है ये बहुत हाई सेंसिटिविटी से कन्फर्म करते हैं बट ये पहला टेस्ट जो एफ बी स्मीयर जेड जो हमें रॉबर्ट कॉक ने दिया 1882 में ये सब बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है इसके अंदर ये कर्व पिंक रॉड्स दिखते हैं ऐसे अगर पलमरी टी भी है तो हम स्पूटम सैंपल लेते हैं और अगर एक्स्ट्रा पलमरी टी है हम कोई भी बॉडी फ्लोइड कोई बॉडी टिश्यू के अंदर हम ये टेस्ट करके देख सकते हैं आप देखेंगे इस समय पूरे इंडिया में एन प्रोग्राम के अंदर बायनोकुलर माइक्रोस्कोप जो बहुत एक्सपेंसिव एंड माइक्रोस्कोप्स है इट हेल्प्स द हाईली ट्रेन टेक्नीशियंस टू डायग्नोज टीबी विद 99 परसेंट विद इन वन डे बट एक प्रॉब्लम है इस टेस्ट की अगर मेरे पास सौ पंद्रह टीबी पेशेंट आए और मैं सिर्फ स्पटन करूं तो मैं 50 परसेंट ही पकड़ पाऊंगा क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी 50 परसेंट है इस टेस्ट को पॉजिटिव आने के लिए पेशेंट के स्पूटम में दस हजार से एक लाख कीटाणु एक एमएल स्पूटम में होने चाहिए तो जब जब पेशेंट में दो एम एस देता है उसके अंदर अगर बीस हज़ार से दो लाख कीटाणु है तो ये टेस्ट पॉजिटिव आता है इसलिए आज भी गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कल्चर होता है ये सारे टीबी के कीटाणु पकड़ता है ये हंड्रेड परसेंट पकड़ता है मगर इसके अंदर जो कल्चर मीडिया है सॉलिड मीडियम जो हम यूज़ कर रहे थे अब तक वो एटीन में ही दिया था रॉबर्ट कॉक ने इसके अंदर टाइम बहुत लगता है क्योंकि टीवी बैसिलस बहुत धीरे धीरे डिवाइड करता है उसका डिवीजन का टाइम एटीन टू ट्वेंटी आवर्स होता है इसलिए ये रिपोर्ट आती है 6 से आठ हफ्तों में यानी दो महीने के बाद पता लगता है ये टीवी है और अगर हम देखना चाहें ड्रग रिटेंट टीबी जो मैंने आपसे बताया किलर टीबी है जो बहुत हाई मोटेलिटी और डेथ करता है उसको डायग्नोस करने में तीन महीने और एच डी आर टी बी जो उससे भी खतरनाक टी बी है डायग्नोज करने चार महीने लग जाते हैं तो ये बहुत लंबा अरसा निकल जाता है इसलिए इस समय एन टी बी प्रोग्राम के अंदर आई आर एल एन आर एल जैसी स्पेशलाइज लेबॉरटरीज में लिक्विड रैपिड बैकटेक कल्चर आ गया है ये मिजिट 960 के नाम से होता है इसके अंदर 960 सिक्सटी ट्यूब्स एक छोटे से सिस्टम में लग जाती है जो बहुत हाईली ट्रेंड सोफिस्टिकेटेड सिस्टम होता है और ये 10 दिन से दो हफ्ते के अंदर हमें रिपोर्ट दे सकता है तो देखिए कहां दो महीने और तीन से चार महीने के लिए चौदह दो से तीन हफ्ते और अनदर टू वीक्स टू डायग्नोज एमडीआर इट इज इट हैज कट डाउन आर पीरियड बाय अ लॉन्ग 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 टाइम एंड दिस इज रॉबर्ट कॉक हु द मैन ऑफ टिबोक्लोसिस उससे एटीन से पहले पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड की धारणा थी टीबी एक जेनेटिक डिजीज है क्योंकि कोई आइसोलेट नहीं कर पाया था ऑर्गेनिज्म को रॉबर्ट कॉक विद डेडिकेशन मेड इट इज एसिड फास्ट बैसल्स तो वो स्टेन में आता ही नहीं था जैसे स्टेन करते थे वो धुल जाता था उन्होंने एसिड फास्ट बैसल्स को पहले स्टेन किया जेडन स्टेन से और उन्होंने प्रूव किया कि ये इंफेक्शियस डिजीज है उन्होंने हमें माइक्रोस्कोपी दी उन्होंने हमें कल्चर दिया एल मीडियम सॉलिड कल्चर जो चल रहा है और उन्होंने ट्यूबोकलिन स्किन टेस्ट भी दिया उनका मानना था कि ये क्योर है क्योंकि वो टाइम लुई पैश्चर का वैक्सीन बन रहे थे उनको लगा कि ये वैक्सीन बना दी उन्होंने प्रोटीन प्युर, प्रोटीन डेरिवेटिव एंटीजन निकाले और इंजेक्ट किए स्किन के अंदर तो उनको लगा इससे क्योर हो जाएगा बाद में उन्होंने अपनी गलती मानी उनको नोबल प्राइज मिला था फॉर डायग्नोसिस बट ये टेस्ट प्रचलित हो गया डायग्नोस्टिस ऑफ टीबी बी इन्फेक्शन के लिए अब हम ये ट्यूबोक्लिन स्किन टेस्ट या मॉन्टू टेस्ट हम इन्फेक्शन डायग्नोस करने के लिए यूज़ करते हैं हम पेशेंट को अगर 0.1 वन इंजेक्ट करें टी बी एंटीजन उसके फोर आर्म के अंदर और 48 एट आवर्स दो दिन के बाद उसको पढ़े अगर 10 एम mm एम का स्वेलिंग या इंड्यूरेशन बन जाए तो मानते हैं ये व्यक्ति टीबी के बैसले से इन्फेक्टेड है ओनली इन्फेक्टेड उस दैट्स ऑल ऐसे ही अभी रिसेंटली 10-15 साल पहले एक टेस्ट आया जो ब्लड से करते हैं टी बी फिर टी बी क्वान्टिफ्रॉन गोल्ड टेस्ट इसके अंदर हम ब्लड सैंपल लेते हैं पेशेंट का और उसको हम स्टडी करते हैं उसके अंदर हम इंटरफ्रम गामा रिलीज देखते हैं इग्रा टेस्ट कहते हैं इंटरफ्रम गामा रिलीज एस ये भी स्पेसिफिक टी बी एंटीजन ई e सैट e सिक्स सी एफ पी जो कि माइक्रोवोस के अंदर होते हैं उसके अंदर हम देखते हैं मगर ये भी सिर्फ इन्फेक्शन का टेस्ट है तो जब भी ये स्किन टेस्ट और टीबी फ्रॉन टेस्ट पॉजिटिव होता है तो हमें पता लग जाता है कि इस पेशेंट में इन्फेक्शन है सपोज मैं टीबी का पेशेंट हूं मैं पदमरी टीबी का पेशेंट हूं स्पूटम पॉजिटिव हूं मैं खांसी करूं उस कमरे में सौ लोग हैं सौ लोग में से सत्तर मेरे संपर्क में आएंगे उनको इन्फेक्शन भी नहीं होगी उनके अंदर मॉन्टू टेस्ट स्किन टेस्ट नेगेटिव होगा टीबी फ्रॉन गोल्ड टेस्ट नेगेटिव होगा मतलब उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी थी कि उनका इन्फेक्शन भी नहीं हुई मगर उस कमरे में 30 से 33 परसेंट लोगों को इन्फेक्शन हो जाएगी यानी बैसलस चला गया उनके अंदर मोन टेस्ट और स्किन टेस्ट ये टीबी स्किन टेस्ट और गोल्ड टीबी गोल्ड यानी कि ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा मगर उनकी इम्यूनिटी अच्छी है तो उनके अंदर सिम्टम्स लक्षण नहीं होंगे उनका एक्सरे नॉर्मल होगा स्पूटम नॉर्मल नेगेटिव आएगा और वो जब ना फीवर है ना खांसी है तो वो जाएंगे भी नहीं डॉक्टर के पास मगर वो इन्फेक्टेड है इनमें से दस परसेंट लोग अपने लाइफ टाइम के अंदर टीबी एक्टिव डिजीज़ का शिकार हो जाते हैं खासकर चालीस साल के बाद जब डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड हो या मैंने बताया आपको स्टेरॉइड्स खाएँ या ऑर्गन ट्रांसप्लांट या कैंसर हो या किसी भी तरह से डिप्रेशन बहुत बड़ा एक लिस्ट है इम्यूनोकॉम्प्रक डिप्रेशन भी इज ड्रग एब्यूज एल्कोहल एब्यूज ऑल दिस कैन लीड टू डिक्रीज इन इम्यूनिटी एंड दे कैन देन बिकम एक्टिव टी बी डिज़ीज़ इसके अंदर उनका उनके लक्षण आ जाएंगे जैसे मैंने बताया खांसी बलगम उनके एक्सरे अब नॉर्मल हो जाएगा स्पूटम पॉजिटिव आ जाएगा हाँ पहले इन्फेक्शन होती है फिर डिजीज होता है इसलिए उनका मॉनटू टेस्ट और टीबी गोल्ड तो पॉजिटिव आएगा इसलिए एज अ डॉक्टर हम सिर्फ टीबी फिरॉन के ऊपर हम ट्रीटमेंट नहीं करते सिर्फ मॉन्टू टेस्ट के ऊपर ट्रीटमेंट नहीं करते हम उसके लक्षण क्लिनिकल सिम्टम देखते हैं और फिर बाकी टेस्ट देखते हैं तो अब मैं पूरा समराइज कर दूं अब तक का अगर 100 टीबी के पेशेंट होते हैं तो 80 परसेंट परमनी टीबी होता है 20 परसेंट एक्स्ट्रा पर्मनी टीबी होता है पंद्रह टीबी डायग्नोस करना आसान है एक्स्ट्रा पंद्रह टीबी डायग्नोस करना मुश्किल होता है क्योंकि बॉडी की किसी भी ऑर्गन में हो सकता है पॉसि बैसली डिजीज़ होता है बहुत कम बैसलाए होते हैं तो जो टेस्ट मैंने बताया ये पॉजिटिव आने मुश्किल होते हैं कई बार इन अभी बताऊँगा जो टेस्ट में आपको एक्टिव टीबी डिजीज़ सिर्फ कमरे में एक आदमी को होता है या दो इन्फेक्शन थर्टी थ्री थर्टी को होती है और सिक्सटी परसेंट टू सिक्सटी फाइव परसेंट को इन्फेक्शन भी नहीं होती इन्फेक्शन के लिए मॉन्टू टेस्ट टीबी स्किन टेस्ट या इगरा टेस्ट और एक्टिव टीबी डिजीज़ के लिए स्मियर या कल्चर पॉजिटिव होना चाहिए तो डिजीज़ के लिए लक्षण ज़रूरी हैं इन्फेक्शन में कोई लक्षण नहीं होते ये आखिरी स्लाइड है जिसके अंदर मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि जब इन्फेक्शन होती है तो स्किन टेस्ट है और इगरा टेस्ट है और एक्टिव डिजीज के अंदर स्किन टेस्ट और एगरा टेस्ट तो पॉजिटिव होगा मगर स्मियर भी पॉजिटिव होगा कल्चर भी पॉजिटिव होगा और जो नए मोलिकुलर डायग्नोस्टिक टेस्ट आए हैं जीन एक्सपर्ट लाइन प्रो वैसे ये पॉजिटिव होंगे और ये एक से दो के अंदर होते हैं बाकी सब थर्टी टू फोर्टी में होते हैं अब मैं आपको मैंने शुरू में कहा था कि जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होता है वो किलर होता है मतलब कि अगर हमारी कुछ दवाइयाँ की होती हैं जब भी किसी को पहली बारी टीबी होता है तो हम उसको चार दवाइयाँ देते हैं आई एन एच रिफेम्पिसिन पाराई दो महीने के लिए उसके बाद चार महीने के लिए हम तीन दवाइयाँ देते हैं आई एन एच रिफेम्पिसिन इथेमबेटोलॉल ये बेस्ट दवाइयाँ हैं टी बी की जब इन इन में से दो बेस्ट दवाइयाँ आई एन एच रिफेम्पिसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो जाए तो उसको हम कहते हैं एम डी आर टी बी मैं इसको सिंपल तरीके से आपको समझाना चाहूँगा कभी हम वन डे क्रिकेट खेलते हैं तो कोई टीम साढ़े तीन सौ रन बना देती है पचास ओवर के अंदर तो जब हमारे तेंदुलकर और शहवाग ओपन करते थे तो पहले पंद्रह ओवर में अगर वो डेढ़ सौ रन मार दें तो बाकी पूरी टीम के लिए बड़ा आसान हो जाता था बनाना आई और रिफैम्पिसिन ऐसी दवाइयाँ हैं जो पहले पंद्रह दिन में नाइन्टी यानी करोड़ों बैसलाएँ मार देती है तो अगर ये दोनों तो रेजिस्टेंट हो जाए तो पेशेंट एम होता है गब्बर सिंह ऑफ टीबी इसके अंदर मोटैलिटी बहुत हाई होती है नॉर्मल टीबी में तीन परसेंट लोग मरते हैं बाकी सब ठीक हो जाते हैं मगर जब एम हो जाता है तो वो मोर्टैलिटी फाइव टेन टाइम्स हो जाती है टू द सेंसिटिव टी वी मगर इससे भी बड़ा एक तो और टीबी होता है एच एक्सटेंसिव ड्रग रिस्टेंट टी इसके अंदर तेंदुलकर शेवाग तो आउट हो ही गए एच विराट कोहली और रोहित शर्मा भी आउट हो गए मतलब चार बेस्ट प्लेयर बाहर हो गए यानी फ्लोर या बेडा या लिनोसिलिड में से दो और एच तो चार बेस्ट दवाइयाँ जब बाहर हो जाती हैं तो हम उसको एच डी कहते हैं इसके अंदर मोटैलिटी 30 परसेंट भी तक भी चली जाती है और भी आई जाती थी जब तक दवाइयाँ नहीं आई तो जैसे डब्ल्यू ने कहा है कि हमें 35 तक 95 फाइव परसेंट मोटेलिटी या डेथ रेट कम करना है इंडियन गवर्नमेंट लगी हुई है पिछले 10 साल से मोटैलिटी कम करने के लिए टू के लिए तो हमारा मकसद पूरा टी स्पेशलिस्ट का हो जाता है कि एम पहले तो सारा टी जल्दी डायग्नोज करें पर्मरी टी एक्स्ट्रा पर्मेटी बी जल्दी डायग्नोस करें एक्यूरेटली डायग्नोस करें एंड एमडीआर डी टीबी जल्दी डायग्नोस करें क्योंकि मोर्टैलिटी सारी इसके अंदर है 2000 uh, करीब 16 के अंदर 114 कंट्रीज में एक्स टीबी आर पाया गया था इंडिया के अंदर ही पाया गया था तो इंडिया एक्स टीबी के मैप पे आ गया एक्स टीबी करीब सात आठ परसेंट ऑफ एम टीबी होता है तो इस समय बहुत ज़्यादा केसेस नहीं होते हैं बट सेवन एट थाउजेंड केसेज में भी अगर इतनी मोटैलिटी है तो हमें मोर्टैलिटी कम करनी पड़ती है अब तक जो मैंने आपको बताया उसकी समरी यह है कि हमें अगर एक दिन में डायग्नोस करना है तो स्मियर माइक्रोस्कोपी एफ जो 1882 में रॉबर्ट कॉक ने हमें दी थी जबरदस्त आज भी एक टेस्ट है कल्चर टेस्ट आज भी गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है ओनली लैकिने सिक्स टू एट वीक्स के अंदर कल्चर पॉजिटिव आता है मगर और एमडीआर डी देखने जाए तो तीन से चार महीने में पॉजिटिव आता है उनकी ड्रग सेंसिटिविटी तीन से चार महीने जब तक एम डी आर एच डी आर खतरनाक टी बी हम डायग्नोस करने जाते हैं तब तक कितनी मोर्टैलिटी या डेथ हो जाती है इसी के होते हुए पिछले पंद्रह दस एक साल के अंदर <coughs> बहुत बेहतरीन टेस्ट आए हैं रैपिड मोलिकुलर डायग्नोस्टिक टेस्ट जो दो घंटे से बहत्तर घंटे के अंदर यानी थ्री डेज में हमें टी बी बता देते ये एक और बहुत की स्लाइड है मैंने बताया था सेंसिटिविटी एंड टाइम टेकन फॉर वेरियस डायग्नोस्टिक टेस्ट माइक्रोस्कोपी बहुत अच्छा टेस्ट है मगर इसके अंदर हमें दस हज़ार से एक लाख बैसलाए चाहिए इसलिए फिफ्टी परसेंट केसेज में तो पॉजिटिव आती है इसलिए हम कल्चर करते हैं हंड्रेड परसेंट के लिए कल्चर की प्रॉब्लम है बारह से सोलह हफ्ते में हमें एम डी आर एक्सडीआर बताता है तो नए मोलिकुलर डायग्नोस्टिक टेस्ट रिसेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट जो आए हैं वो है सी बी नैट जीन एक्सपर्ट एल पी ए लाइन प्रोब ये लेस देन थर्टी बैसलाय पर एम एल टी बी हो यानी कि ई पी टी बी के भी अगर हम सैंपल निकाल लें साइड पैसेफिक सैंपल तो वो हमें पॉजिटिव बता देगा प्लस सेंसिटिविटी कितनी अच्छी है उसकी सेंसिटिविटी इज़ लाइक फोर्टी परसेंट मोर देन माइक्रोस्कोपी तो ये टेस्ट अब जो आए हैं ये जर्नी ऑफ अ पेशेंट को ठीक कर रहे हैं हम देखते थे नया केस फिर से रिलैप्स होता था फिर वो उसके ड्रग रजिस्टर्स आ जाती थी फिर 90 दिन में एमडीआर डायग्नोज होता था फिर दो एच एन आर रजिस्टेंट हो गया फिर हमने देखा फ्लोरोक्नॉन बेडाकोनीन डिनोसोलाइड रेजिस्टेंस आ जाए तो एच डी टी हो जाता है फिर ऐसे डेथ होती है तो इतने लंबे टाइम तक कन्वेंशनल मेथड पे डिपेंडेंट नहीं रह जा सकता इसलिए इस समय नेशनल प्रोग्राम के अंदर टी बी मोलिकुलर डायग्नोस्टिक्स इज द बेसिस एंड फॉर द पी प्रोग्राम इन द कंट्री टुडे इवन द पूरेस्ट ऑफ द पुरेस्ट पेशेंट कैन एसेस दिस टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट एट द रिस्पेक्टिव टी क्लिनिक्स तो इसके अंदर दो टेस्ट हैं एक मैनुअल नाइट या एल इसके अंदर बहुत सुफेस्टिकेटेड लैब इसके अंदर ग्रो नहीं करते हम लाए एक सुफेस्टिकेटेड लैब में तीन स्टेप करते हैं पहला स्टेप टीबी का एम टी बी का डी एन करते हैं इसके अंदर हमें आठ घंटे या एक दिन लगता है दूसरा स्टेप हम इसको एम्पलीफाई करते हैं अगर लेस देन थर्टी टी के बैसला है तो स्पूट एंड में नहीं आएंगे कल्चर में भी नहीं आएंगे मगर ये टेस्ट उसको मिलियन कॉपी बना के पी टेस्ट है ये चेन रिएक्शन अगले आठ घंटे में उसको बना देगा और आखिरी आठ घंटे में हाइब्रिडाइजेशन ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स करते हैं और हम ऐसे बैंड्स देखते हैं ये अब हम ग्रो नहीं कर रहे एक मोलिकुलर डायग्नोस्टिक लैब के अंदर हम ये बैंड्स देखते हैं कि जैसे हमें टीबी के डीएनए का बैंड दिख गया हमें मालूम है ये टीबी है दूसरा हम एक और बैंड देखते हैं कि जीन म्यूटेशन का बैंड क्या है जैसे रिफेम्पिन का बैंड ऑफ जीन म्यूटेशन है अगर आप देखेंगे कि बैंड भी तीन दिन में आ जाता है तो तीन दिन के अंदर हम टीबी भी डायग्नोस कर रहे हैं पलनरी एक्स्ट्रा पलनरी और तीन दिन के अंदर हम एम भी डायग्नोस कर रहे हैं जो हम पहले तीन महीने ले रहे थे जिससे बोर्टेलिटी हो रही थी और यह पिछले पांच सात साल में पूरा वेब तो दस साल के अंदर दिल्ली इंडिया के अंदर पूरा फैल गया है कि हम कहीं भी किसी भी कोने में कर सकते हैं ये टेस्ट उसके बाद एक ये तो मैनुअल टेस्ट था इसके अंदर हम मैनुअली हाईली ट्रेन साइंटिस्ट एट द रिस्क थ्रू फिल्टर्स आर वर्किंग फिल्टेक्शस मेटीरियल टू गिव द रिजल्ट इन थ्री डेज उसके बाद आया ऑटोमेटेड टेस्ट ये जबरदस्त टेस्ट था सीबी जीन एक्सपर्ट आप देख रहे हैं स्पूटम लिया एक कार्टरेज में डाला उस काटरेज को एक मशीन में डाला एक बटन दबाया दो घंटे के अंदर एक कलर्ड प्रिंट आउट बाहर पहली पार्ट एम टीबी प्रेजेंट यानी टीबी का डीएनए पकड़ा गया लेस देन थर्टी पर एम एल नॉट वन लैख टेन फॉर कल्चर एंड स्मीयर एंड वी से विद सेंसिटिविटी कि दिस इज टीबी सेकेंड द स्पेसिटी इज नाइनटी एट परसेंट यानी अगर ये आया है तो ये कैंसर नहीं है ऑटो इम्यून नहीं है निमोनिया नहीं है ये टीबी है तो इतना जबरदस्त टेस्ट जैसी आया तो जो मैंने आपको पहली स्लाइड दिखाई थी स्मीयर की फिफ्टी परसेंट सेंसिटिविटी वो फोर्टी परसेंट बढ़ गई प्लस 90 मिनट्स के अंदर प्रिंटेड टेस्ट विदाउट एनी इंटरवेंशन तो अब स्मियर और मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक टेस्ट के साथ मिलके चीन एक्सपर्ट और स्मियर मैं हम पोरेस्ट पूरे पेशेंट का विद इन नाइन्टी मिनट्स एक ऑटोमेटेड टेस्ट करके बता सकते हैं कि टीबी भी है या और एमडीआर है कि नहीं है तो so, यहां तक मैंने आपको पलमरी टीबी के बारे में बताया क्योंकि मैंने आज सोचा था थैंक यू सर मैंने सोचा था कि आप एक्स्ट्रा पलमेरी टीबी के बारे में बताना बहुत जरूरी है ये डायग्नोस करना बड़ा मुश्किल होता है सबसे कॉमन एक्स्ट्रा पलमरी टीबी होता है लिम्फ नोट्स के अंदर और अराउंड थर्टी टू फोर्टी परसेंट टीबी इज लिम्फ नोट टीबी उसके बाद आता है प्लूरल एफ्यूजन ये अराउंड 15 10 टू 15 परसेंट होता है इसके आता है जॉइंट्स टीबी ये अराउंड 10 परसेंट होता है बाकी सारे टीबी बी छः छः परसेंट होते हैं एब्डोमिनल जेराइटल एंड मैनजाइटिस इसके अलावा बाकी सारे मिलके करीब दस से बारह परसेंट होते हैं तो ये सारे एक्स्ट्रा पलबली टीबी की डिस्ट्रीब्यूशन है हम कैसे सस्पेक्ट करते हैं एक्स्ट्रा पंग में अगर किसी के गांठे स्वेलिंग हो जाए नेक के अंदर एक्जिला में जांग में या किसी को कोई छाती में दिक्कत है हमने सी टी स्कैन या एक्सरे किया उसके अंदर हमें गाँठे दिख गई नॉर्मल ये लिम्फ नोड नॉर्मल होती है हमारी बॉडी के अंदर मगर ये प्रोटेक्ट प्रोटेक्शन के लिए होती है मगर जब इनका साइज़ बढ़ने लग जाए तो किसी वजह से होता है या तो टी बी है या मेलेग्नेंसी है या सार्कॉइड है या फंगल है इसकी भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं हर एक गांठ सिर्फ टीबी नहीं होती ये भी टेक ऑफ मैसेज है हमारे लिए तो हम फटाफट उनके टेस्ट कराते हैं ऐसे पेट में दर्द हो कभी जॉइंट्स स्पाइन के अंदर दिक्कत हो हेड हो जैसे कि बेरेंजाइटिस के अंदर होती है हाई ग्रेड फीवर होता है वेट लॉस होता है तो हम इसको प्रिज्यूम करते हैं तो पहली चीज़ होती है क्लिनिकल सस्पिशन दूसरी चीज़ होती है राइट सैम्पल फ्रॉम द साइट ऑफ द डिजीज दैट इज एस 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 साइट स्पेसिफिक सैंपल तीसरी चीज़ होती है वी यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट हम स्मियर करते बट हमें मालूम है स्मियर की लिमिटेशन बहुत ज़्यादा बैसलाए होने चाहिए हम कल्चर करते हमें मालूम है कल्चर की लिमिटेशन काफ़ी समय लगता है तो लिक्विड कल्चर करते जो जल्दी देता है फिर हम बायोप्सी करके बा, बाकी डिजीज़ भी रूल आउट करते हैं और टीबी के लिए भी श्योर होते हैं तो आप देख सकते हैं टीबी पूरे बॉडी में कहीं भी हो सकता है ऐसा नहीं है कि सिर्फ लंग में है आप ऊपर देखिए ब्रेन से लेकर एबडामन पेरिका आई के टीबी हार्ट का टीबी स्पाइन का टीबी स्किन का टीबी बी जेनाइटल ऑर्गन्स का टीबी एब्डोमिनल टीबी कहीं भी हो सकता है ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है पूरी प्रेजेंटेशन की एक ही स्लाइड के अंदर तो सारे टेस्ट हैं जैसे हम सस्पेक्ट करते हैं किसी भी पल हम हमने एक्सरे किया अल्ट्रासाउंड किया सीटी स्कैन किया एमआरआई किया हमें लगा कि कहीं टीबी है तो हमने वहाँ से साइड से ये सैंपल निकाला उस सैंपल का सबसे पहले हम मोलिकुलर डायग्नोस्टिक टेस्ट सी बी नैट करेंगे सी बी नेट टी वी के अंदर नाइन्टी परसेंट सेंसिटिव था यहाँ पर सेंसटी कम हो जाती है क्योंकि सैंपल लेना मुश्किल होता है सैंपल निकालना होता है आ, किसी भी स्कोप से ब्रोंकोस्कोप लैप्रोस्कोप आथ्रोस्कोप लम्बा पंचर आपने रीढ़ की हड्डी से सी एस एफ निकाला जो कि ब्रेन से आ रहा होता है हमारे पास सेब स्पाइनल फ्लोइड उसके अंदर सी बी ने टेस्ट किया तो एक्स्ट्रा पदमरी के अंदर इसकी सेंसिटिविटी 66 सिक्स टू एट्टी परसेंट होती है पॉजिटिव आ गया तो हमें मालूम पड़ जाएगा ये टी बी है और एक और चीज़ मालूम पड़ जाएगी कि एम डी आर है कि नहीं है साथ में हम स्पीय भी करेंगे कल्चर भी करेंगे और टेस्ट भी करेंगे बायोकेमिस्ट्री के ए डी ए जैसे और जहाँ एफ एन ए सी या बाइफ सी करते हैं वहाँ हम हिस्टोपैथोलॉजी भी करते हैं इसके इस स्लाइड के बाहर कोई टेस्ट नहीं है एक्स्ट्रा पदमरी टी बी का तो हमें अगर बग्स देखने हैं तो हम माइक्रोस्कोपी करते हैं बहुत कम बग्स हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीपल हम पी uh, करते हैं मिलियन कॉपी बनाते हैं उसको हम सीबी बी नैट टेस्ट या बॉलोगर डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं और आज भी गोल्ड स्टैंडर्ड हम ग्रो करके बग्स जब देखते हैं तो उसको हम कल्चर कहते हैं मैंने बताया एक्स्ट्रा पलमरी के अंदर सेंसिटिविटी 66 टू 80 परसेंट होती है बट स्पेसिसटी 98 परसेंट होती है अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो वी आर श्योर कि दिस इज़ टीबी दैट इज वाई वी शुड ऑलवेज मेक श्योर जब भी हम एक्स्ट्रा पब्लिटी भी डायग्नोज कर रहे हैं हमें रेडियोलॉजिकल सपोर्ट लेनी है देर लाइक निंजा वॉरियर्स अल्ट्रासाउंड सी टी स्कैन एम आर आई स्कैन बट एवरी ई पी टी बी डायग्नोस के अंदर जो चैलेंज होता है वो होता है कि इसके सिम्टम्स बड़े नॉन स्पेसिफिक होते हैं दूसरे डिजीज़ को मिमिक करते हैं और पॉसिबैसलरी यानी बहुत कम कीटाणु होते हैं और जो सैंपल निकालना होता है इतना आसान नहीं होता इसके लिए आपको टर्सरी लेवल हॉस्पिटल या बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ता है कई बारी लिफनोड वाला आसान होता है वो तो हम लोकल भी कर लेते हैं लोकल स्मॉल क्लेसेज में भी हो जाता है बट बाकी सारे थोड़े मुश्किल होते हैं एक टी के टेको मैसेज है एवरी एफर्ट

बायोकेमिकल एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड लाइक ए डी ए ग्लूकोज प्रोटीन एंड ऑफकोर्स रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस आप देख सकते हैं जैसे किसी के पीठ के अंदर दर्द हो रहा है आपने एक्सरे किया उसके अंदर भी टूटा हुआ स्पाइन दिख सकता है कई बार एक्सरे में मिस हो जाता है वो सीटी में एक महीना दो महीने पहले आ जाता है तो सीटी के अंदर हमें दिख जाता है कि स्पाइन के अंदर पॉट स्पाइन है यानी बोन टीबी है दूसरा सीटी आप देख रहे हैं ब्रेन का किसी का हाई ग्रेड फीवर हो रहा है नहीं उतर रहा आपने एम आर आई किया और आपको दिख गया कि बेनजाइटिस है यू स्टार्ट ट्रीटमेंट इमीजिएटली बट साइमटेनियसली पुट अप वेरियस अदर ट्रीटमेंट लाइक सी एस एफ लिया उसकी माइक्रोस्कोपी की उसकी बॉलिकुलर डायग्नोस्टिक टेस्ट पर लगाया जीन एक्सपर्ट सीबी नैट के और अगर कहीं से एफ एन एसी या बायपसी कर सके तो एफ एन एसी और बायपसी भी करते हैं ताकि हम मां से भी कंफर्म कर सकें कि टीबी है तो अब यहां पर हम एक एक्सरे देख रहे हैं इसके अंदर पानी है प्लोअल रिफ्यूजन दूसराल टीबी है तो मैं यहां पर ये यह, मैंने इसलिए दिखाया है कई बार किसी के गांठे होती है गर्दन में और वो गैस्ट्रिक लिवाज दे रहे होते हैं उसके कोई फायदा नहीं है क्योंकि गर्दन में अगर गांठ है तो हमें गर्दन की गांठ से सैंपल देना है अगर किसी को मैनिजाइटिस है तो सी एस एफ लंबा पंचर रीढ़ की हड्डी से हमें उसका सैंपल निकालना है लंबर पंचर करके उसका सैंपल देना है किसी के पेट का टीबी है तो फिर गैस्ट्रिक लिवाज या लेप्रोस्कोपी करके वहाँ से साइड स्पेसिफिक सैंपल निकालना है अगर किसी को पानी है तो हमें प्लूरल टैप करना है प्लूरल टैप करके वहाँ से सैंपल निकालना है तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ये मेरे लास्ट तीन चार स्लाइडें हैं जो कि दो तीन चीजें की हो मैसेजेस को फिर हैमर कर रही है आपको बताने के लिए सबसे कॉमन ई पी टी बी टी बी होता है और इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे गर्दन की ये सर्वाइकल लिम्फनोड हैं ये सबसे कॉमन इन्वॉल्व होती है अगर सौ ई पी टी बी आए तो एक तिहाई से ज़्यादा सिर्फ लिफ्नो टी बी होते हैं ये पहला केस है एक सत्रह साल की बच्ची आई आप देख सकते हो उसके गले में इस आ, के अंदर एक गांठ थी सब मैंडुबुलर लिम्फ नोट थी सूजन उसने देखी दर्द देखी उसको ना बुखार था ना खांसी थी भगवत सूजन देखी फैमिली में टीबी था उसके फादर ने टीबी की दवाई खाई थी पाँच महीने हो गए थे खाते हुए मैंने उनको बताया एक टीबी का मरीज कम से कम पाँच से पंद्रह मरीज बनाता है और वो इन्फेक्शन जो करता है वो उसके घर के लोग होते हैं बिकॉज अब मुझे टीबी है मैं अपने घर में जाऊंगा वहाँ रहूंगा तो मेरे वाइफ मेरे बच्चों को इन्फेक्शन रहेगी या मेरे वर्क फॉर मेरे साथ जो काम करते हैं तो उसका इनफे कॉन्टैक्ट था चेक्स से कराया गया नॉर्मल था मैं एक और चीज़ यहाँ बोलूँगा ई पी के अंदर हमेशा चेक चेक्स एक्सरे कराइए क्योंकि सबसे कॉमन पंदरी टी होता है तो ई टी के अंदर हमने देखा है कि अराउंड थर्टीन टू फोर्टीन के अंदर एक्सरे में कुछ आता है और लिफनो टी में थर्टी के अंदर एक्सरे में कुछ आता है तो इसलिए चेस्ट एक्सरे एक सिंपल टूल है इवन इन ई भी आपको चेस्ट एक्सरे एक करा के पलनरी इन्वॉल्वमेंट को रूल आउट करना चाहिए पलनरी हाई लिम्फ नोट देखनी चाहिए node, देखना चाहिए इसके अंदर वो भी नॉर्मल था फिर उस बच्चे का अब अब इसका एफेसी हुआ यानी कि इस लिम्फ नोट के अंदर एक सुई की जांच की उस सुई की जांच से कुछ सैंपल निकाला उसको फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी कहते हैं मतलब लिक्विड निकाला उस लिक्विड के तीन टेस्ट हुए एक हुआ साइटोलॉजी यानी कि हिस्टोपैथोलॉजी देखी तो उसमें आया नेक्रोटाइजिकॉइडोनोमा विद लैंग एंड जायट सेल ये एक टेक्निकल टर्म है लैंग एंड जैंट सेल सिर्फ टीबी में देखे जाते हैं और नेक्रो जो नेक्रोसिस होता है विद एपिथोलॉड डोमा ये सिर्फ टीबी में देखा जाता है और ये उसको पढ़ते हैं पैथोलॉजिस्ट तो एक हाईली क्वालिफाइड पैथोलॉजिस्ट को आराम से बता सकता है तो आपने सिंपल से टेस्ट किया आपने पानी निकाला उस लिम्फ नोड में से साइट स्पेसिफिक सैंपल था और ये टेस्ट कर दिया स्मियर हमने किया जेड एस टेन नेगेटिव आया पहले बताया आपको एक लाख दस हजार से एक लाख बैसल है पर उस सैंपल में होने चाहिए आने के लिए पॉजिटिव शायद नहीं थे क्योंकि ईपी टीबी पॉसि बैसेलरी होता है फिर उसी का सीबी नेट किया हाई एंड मोलिकुलर टेस्ट जीन एक्सपर्ट मैंने बताया ये तो थर्टी से थर्टी से कम बैसलरी पकड़ लेता है इसने पकड़ लिया इसने बताया एम डिटेक्टेड यानी टीबी का डी डिटेक्ट कर लिया उन्होंने और कहा यह टीबी है और एक और चीज साहब ने बताई विद इन टू आवर्स कि ये सेंसिटिव है रिफेपेसन से हमारी जो मेन दवाई है टीबी की उससे ये सेंसिटिव है तो इस पेशेंट के अंदर हमने दो चीज़ें डायग्नोस कर ली जो कि हम यहाँ पे नहीं बता सकते सिर्फ अल्ट्रासाउंड करके कि ये एमडीआर है कि नहीं है सिर्फ अल्ट्रासाउंड करके हम ये नहीं बता सकते सिर्फ टीबी है कि नहीं है मगर ये तीनों टेस्ट करके कॉम्बिनेशन टेस्ट करके हमने देखा माइक्रोबायोलॉजिकल एविडेंस आ गई सी बीन आई पॉजिटिव आ गया क्लिनिकल सस्पिक्शन फादर को टीबी था तो हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट था बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्ट्री होती है जब भी कोई पेशेंट आपके खांसी के साथ आता है या किसी भी एक्स्ट्रा पलरी टी लेके आता है अगर आप सिर्फ ये पूछ लें कि आपके घर में किसी को टी था पिछले छः महीने एक साल या दो साल में तो वो हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाता है क्या आप ये सवाल पूछ लें कि आपको डायबिटीज़ एच या सब्सटेंस एब्यूज कर रहे हैं एल्कोहल का या स्मोकिंग का या किसी भी और अदर सब्स अब्यूज तो अगेन आपका रिस्क बढ़ जा आपको डायग्नोसिस में मदद मिलती है येस

फोर्टी टू ओल्ड मेल आया इसके अंदर डायबिटीज़ नहीं थी फिर क्योंकि फोर्टी के अंदर डायबिटीज आ जाती है अगर अनकंट्रोल डायबिटीज हमें शक और बढ़ जाता है हमने फिर एक्सरे किया नॉर्मल था हाँ उसका तीन किलो वजन लूज हुआ था दो महीने से उसको लो ग्रेड फीवर था सिम्टम्स थे यहाँ पे एफ ए सी किया फिर से उसके अंदर ए एफ बी नहीं आया बिकॉज अगेन वो पॉसिबैसरी डिजीज होता है सी बी नाइड भी नहीं आया जो कि हम करते हैं मगर बाई चांस जो सैंपल लिया उसमें नहीं था हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर आ गया नेक्रोसिस एपथोलॉज लैंग एंड जॉइ सेस हमने डायग्नोस कर लिया तो आपने देखा क्लिनिकल सस्पिशन और हिस्टोपैथोलॉजी से हमने इस पेशेंट को डायग्नोस किया और हमने ट्रीटमेंट दी एंड ही रिस्पॉन्डेड दिस इज माई लास्ट स्लाइड इसके अंदर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक हर एक हर एक लिम्फ नोड या हर एक कोई एक्स अल्ट्रासाउंड सी टी स्कैन एम आर आई टी बी नहीं होता तो ये एक फिफ्टी फाइव बेल था इसको लो ग्रेड फीवर था हल्का बुखार था वेट लॉस था यानी भूख नहीं लग रही थी जर्नलाइज लिफ एनोनोपैथी थी जगह जगह लिम्फ नोट थे इसके इनका हमने चेस्ट किया नॉर्मल था और किसी डॉक्टर ने जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि टीबी के इन्फेक्शन के भी टेस्ट होते हैं टीबी बी टेस्ट होता है बॉन टू टेस्ट होता है किसी ने वो टेस्ट कराया देखा कि इन्फेक्शन है लिम्फ नोड है उन्होंने एम्पेरिकल कर सकते हैं कोई स्पेशलिस्ट कर सकते हैं कई बार बट इसके अंदर जो उन्होंने दिया मगर दवाई का साइड इफ़ेक्ट हुआ उसको जॉन्डिस हो गया हेपेटाइटिस हो गया तो अब दवाई का साइड इफेक्ट भी हुआ और टी बी भी शायद कन्फर्म नहीं था तो अब एफ एन ए सी के अंदर क्योंकि नहीं आया था जेड एन स्टेन में नहीं आया था सी बी नैट में नहीं आया था तो इसके अंदर एक एक्सीशन बायोप्सी हुई यानी लिम्फ नोड को काट के बाहर निकाला गया अब उसके अंदर उन्होंने देखा तो ये तो डायग्नोसिस ही अलग था ये डिफ्यूज लार्ज बी से लिम्फोमा था यानी कैंसर था तो अब आप देखिए कि आपने दे तीन मेरे देखे टेस्ट सिर्फ लिफनो टीबी के एक के अंदर एक बच्ची का देखा एफ में आ गया सी बी नैट में आ गया हिस्टोपैथोलॉजी में आ गया फादर को भी टीबी था तो हमें मालूम है हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट थी तो हमें हा और दवाई दी ठीक हो गया दूसरे के अंदर डायबिटीज़ नहीं था मगर हमने मालूम पड़ गया एफ में आ गया तीसरे के अंदर एफ में भी नहीं आया फिर भी एम्पेरिकली दिया गया बिकॉज उसको वेट लॉस हो रहा था मगर वो नहीं ठीक हुआ तो एक्सीशन बाई भाए, एक्सीशन बायसी करना आसान नहीं होता इट्स अ डिफिकल्ट थिंग तो एक की हो मैसेज लास्ट जो कह रहा हूँ नॉट ऑल केसेस ऑफ लिफ्टोट्स विद्यूटमल सिम्टम इज टूबिकुलर लिम्फ एंड एनटिस तो अगर मैं सारों को समराइज करूँ आपको जो मैंने अभी तक पढ़ाया है आपको सिंप्लिसिटी इज द ट्रेडमार्क ऑफ अ जीनियस लेट्स गो सिंपल जब भी कोई खांसी हो किसी को दो हफ्ते ज्यादा की हो सकता है वो टीबी है स्पेशली अगर वेट लॉस है और फीवर है और हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट है या वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है तो ही मस्ट गो फॉर स्पूटीयर एक्स एक्सरे एसेट्रा अगर एक्सरे नॉर्मल आता है तो हर खांसी टी नहीं होती एट्टी परसेंट कॉजेज ऑफ कफ इज अदर देन टी बी द मोस्ट कॉमन कॉज अपर रेस्परी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यू आर आई फॉलोड बाई एस्मा एलर्जिक कफ फॉलोड बाई सी ओ पी डी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो स्मोकर्स में होता है प्लस टी पी ई ट्रॉपिक्ट्रा एसेकट्रा जी आर डी पी एन डी एस मतलब गैस्ट्रिक रिफ्लक्स सिंड्रोम पोस्ट एजल ड्रिप सिंड्रोम यानी साइनस है आपके टपक रहा है एलर्जिक कफ चेंज ऑफ सीजन में हर मौसम बदलने पर आती है इसका ट्रीटमेंट ही अलग है डायग्नोसिस अलग है एक्सरे नॉर्मल आएगा तो आपने देखा हर एक खांसी टी बी नहीं होती हमें सारे टेस्ट कराने हैं अगर एक्सरे में आ गया कि ठीक है आपका शैडो आ गया है हर शैडो टीबी नहीं होती उसका भी डिफरेंशियल है इट कैन बी मेलेग्नेंसी इट कैन बी ऑटो इम्यून आई एल डी इंटरसिशियल लंग डिजीज सारे टेक्निकल टर्म्स है मगर अगर एक टेस्ट मैं आपको कहूँ जो अगर पॉजिटिव आ जाए वो स्पूटम टेस्ट स्मियर पॉजिटिव आ गया कन्फर्म्ड है नाइन्टी एट नाइन्टी नाइन परसेंट ये टी बी है बट स्पूटम टेस्ट जो होता है वो सेंसिटिव नहीं होता फिफ्टी परसेंट पॉजिटिव नहीं आता तो इसलिए हम कल्चर करते हैं कल्चर में टाइम लगता है कल टाइम कंज्यूमिंग होता है इसलिए अब हम मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं जीन एक्सपर्ट सी बी नायट या एल पी ए चीन एक्सपर्ट ऑटोमेटेड है एल पी ए मैनुअल है एल पी ए में तीन दिन लगते हैं जीन एक्सपर्ट में दो घंटे लगते हैं तो टू आवर्स टू सेवेंटी टू आवर्स वी कैन डायग्नोज पॉसिबैसलरी डिजीज यानी कि लेस देन थर्टी बैसलाए अगर कम टी बी है पचे लंग के अंदर कम हो चाहे एक्स्ट्रापलरी में कम हो तो हम उसको डायग्नोज करके बता सकते हैं साथ में जो किलर टी बी है एम डी आर टी बी जिसके अंदर एक्स डी आर टी बी जिसके अंदर दे डेथ रेट हाई होती है वो अब हम तीन दिन के अंदर एल पी ए से और दो घंटे में जीन एक्सपर्ट से बता सकते हैं और पूरा इस समय गवर्नमेंट की मशीनरी लगी हुई है कि हम जल्दी से जल्दी यू करे यूनिवर्सल डी यानी हर पेशेंट जो हमारे क्लिनिक जो टीबी क्लिनिक में आता है सरकारी उसका स्मियर भी होता है उसका सी बी भी होता है ये बहुत मैसेज प्रोग्राम है आसान नहीं है कहना ये करना ये मगर लागू हो गया है बहुत सालों से लागू हुआ है और जिसका भी उसके अंदर सी बी रेड पॉजिटिव आता है उसका आगे एल पी ए लगता है लाइन प्रो में से सेवेंटी टू आर टेस्ट एंड जब बहुत बड़े इंडिया की पॉपुलेशन है इस टेस्ट की रिपोर्ट तीन से सात दिन में आ जा तीन दिन, दिन तक वर्किंग टाइम कई बार वेटिंग टाइम दो तीन दिन और रखते हैं विद इन सेवन डेज मैंडेटरी है रिपोर्ट देना तो एल पी आपका आ जाता है रिपोर्ट तो विद इन सेवन डेज हमें पता लग जाता है ये एम डी आर है कि नहीं है और अगर वो हमें पता लग जाता है तो हम उसको ट्रीटमेंट ही एमडीआर की देते हैं हम उसको फर्स्ट लाइन नहीं देते हैं दिस इज कॉल्ड यूडीएसटी प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स अ सिंपल थिंग फर्स्ट मीयर देन सीबी नैट फॉलोड बाय एल पी एंड कल्चर एंड कल्चर शुड बी ऑन मिजिट नाइन सिक्सटी और लिक्विड रैपिड बैकटेक कल्चर जो कि अब नया कल्चर आ गया है पुराना कल्चर बहुत टाइम लेता था नया कल्चर दो से तीन हफ्ते में आता है इसलिए हम उसको तीन हफ्ते के अंदर कल्चर भी दे देते हैं डी एस टी अडर द टू टू थ्री तो 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 वीक्स लेता है सो so ये वाले प्रोग्राम से अब रिसेंट डायग्नोसिस जो आ गए डायग्नोस्टिक टेस्ट आए हैं जो मैंने आपको बताए हैं इनसे हम बहुत जल्दी पनरी के अंदर एम डी आर एक्सडीआर और एक्स्ट्रा पलमरी को कन्फर्म करते हैं हम एक्स्ट्रा पलमरी को आफ्टर अल्ट्रासाउंड सी टी एम आर आई के बाद हम कन्फर्म करते हैं विद दिस टेस्ट एंड वन टेक ओ मैसेज लास्ट लाइन ऑल कफ इज नॉट ई बी ऑल एक्सरे शेडोज इज नॉट ई बी ऑल एक्स्ट्रा पलमरी शेडोज ऑन एनी थिंग इज नॉट ई बी बट इफ वेन यू सस्पेक्ट यू बी इट विद ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट दैट वी हैव ओरिजिनल टेस्ट गिवन बाई रॉबर्ट कॉक इन एटीन एटी टू ट्वेंटी फोर्थ मार्च को रॉबर्ट काक ने यह टेस्ट दिया था इसलिए आज भी हम ट्वेंटी फोर्थ मार्च को वर्ल्ड टी बी डे की तरह मनाते हैं एंड रॉबर्ट कॉक वॉज अ जीनियस एंड ही प्रूवड इट्स अ इन्फेक्शस डिजीज़ एंड ही गेव एस ऑल द टेस्ट एट दैट टाइम एंड नाउ आफ्टर हंड्रेड एंड ट्वेंटी ईयर्स वी हैव सच ब्रिलियंट टेस्ट इन टी बी इन विच आई कैन से विद लॉट ऑफ अथॉरिटी दैट एनी टी बी पेशेंट पुअर अकोइंग टू एनी टी बी क्लिनिक Will get his beer done, we will get a, we'll a CB done, and UDST with LPA will be done in the entire country free of cost. And it is being done. Thank you so much for your time. And now I will take any questions that uh, we may have with Dr. Gupta or uh, any other from the. the sure, sure, sure. Uh, just to complete with what Dr. Rajpal mentioned here see, all shadows are, may not be tuberculosis. All coughs may not be tuberculosis, all tests may not lead to a definite tuberculosis symptom, tuberculosis infection. Uh, friends, please go back to our first smart uh, session when Dr. Kiki Chopra was with us and he mentioned about the same fact. He moved ahead to what Dr. Rajpal is saying now that if you have any of these symptoms, go to some hospital and get the tests done. Please look back to the doctor Choplas session on first of March on the same series, and then you will learn more about that how to go to the doctor and where are the these facilities available in your close vicinity. With this, Doctor Aspal, I really thank you and congratulate you for giving us. And I understand that you are a medical practitioner, and then bringing it to such an elementary level is indeed a mammoth and difficult job, very difficult job, and. Uh, once again, I thank you for considering us and bringing the same thought within 45 minutes. It was a great job. Uh, I request Tanvi to start the questions and then we will have more I, questions. I, now. I purposely kept my

तो ऐसे में जो प्रिकॉशंस है वो कौन कौन से हो सकते हैं और क्या उन्हें हमें आइसोलेट कर देना चाहिए अगर कोई टीबी पेशेंट घर पे होता है और क्या क्या अलग करना होता है वेरी 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 गुड क्वेश्चन ई टोल्ड यू सपोज मुझे टी बी हो जाए और अगर वो पंद्रह टीबी है और स्पूटम पॉजिटिव टीबी है आई विस्ट लाइक कोविड आपने देखा था कोविड के अंदर हम पेशेंट को टोटली आइसोलेट कर रहे थे कोविड वेरी इन्फेक्शस डिजीज मतलब एक पेशेंट घंटों के अंदर बना रहा था जो कि टीबी का पेशेंट साल या महीन, महीनों में बनाता है हुँ. तो इसलिए अगर मैं स्पूटम पॉजिटिव हूं पहले पंद्रह दिन के लिए मैं कफ हाइजीन करना चाहूँगा यानी जो पेशेंट होता है अगर वो मास्क पहने तो वो बेटर होता है राधर देन बाकी लोग मास्क पहने तो जैसे हमारे टीबी हॉस्पिटल के अंदर हम पेशेंट्स को इनकरेज करते हैं कि वो अपने हैंकर चेफ या है, मास्क पहनी जो टीबी पलमरी पॉजिटिव है मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा पलमरी टीबी डज नॉट ट्रांसमिट टीबी आपने देखा एक मेरी फोटो थी एक आदमी खांस रहा है तो वो स्किनटीग्राफी के अंदर ड्रॉपलेट ड्यूक्लियर दिख रहे हैं वो हजारों लाखों होते हैं अगर मुझे टीबी है मैं अपने घर जाके खांसूंगा तो वो हजारों लाखों बैसला मैं फैला रहा हूँ अपने घर के अंदर फॉर माई चिल्ड्रन एंड माई वाइफ टू टेक द मेन

जो उसके घर के अंदर जो एक धूप के अंदर सपोज मैं एक ओप हमारे जहाँ मैं रह रहा हूँ अगर मुझे टीबी है मैं चाहूँगा वहाँ धूप आए धूप के अंदर आधे घंटे में टीबी बी मर जाता है तो हम अपने टीबी बी पेशेंट से इंकरेज करते हैं कि वो धूप के अंदर अगर बैठे तो उनके कपड़ों में जो लगा हुआ है कहीं वो वो मर जाएगा बैसलस वो ट्रांसमिट नहीं करेंगे नहीं। और अगर धूप नहीं आती है जैसे किसी मेट्रो के अंदर या एयर कंडीशन के अंदर तो वो काफ़ी दिनों तक वो सर्वाइव कर सकता है एज अ लाइव बैसलस तो एक दूसरा वेंटिलेशन एक कमरे की खिड़कियां खुली है दरवाजे खुले हवा बार बार क्रॉस वेंटिलेट कर रही है दैट्स अ गुड थिंग एसी इज अ बैड थिंग फॉर अ टीवी पेशेंट Okay. तो हाँ तो अगर मेरे को टीबी है मैं जल्दी जल्दी दवाई शुरू करूंगा हाँ. मैं कफ हाइजीन करूंगा हुँ. मतलब कफ कव कवर कव करूंगा अपने कमरे में धूप या अपने कमरे में वेंटिलेशन करूंगा नहीं. जैसे ही मैं कन्वर्ट हो जाऊँ नेगेटिव हो तो मैं अपने बी बच्चों के साथ ही बैठना पसंद करूंगा और अपने बी बच्चों में नोटिस करूंगा कोई सिम्टम्स आए क्योंकि जब तक मैं डायग्नोज हुआ तब तक मैं फैला चुका होता हूँ नॉर्मली तो मैं अगर उनके अंदर किसी को डायबिटीज है तो उसको कंट्रोल करूंगा किसी को सिम्टम्स आए तो मैं सारे टेस्ट करा के जल्दी उनके अंदर भी डायग्नोज करूंगा एंड गुड एपेटाइट जैसे मैंने बताया अगर आप अंडा खाते हैं तो एक अंडे के अंदर इतना अच्छी पौष्टिक आहार होता है hmm. कि उससे आप ठीक हो सकते हैं वेजिटेरियन तो घबराइए नहीं आई एम अ वेजिटेरियन टू सो आप उसके सोयाबीन है छोले हैं काला चना का, काले काले चने हैं गुड़ और चना जो घोड़ा खाता है hmm. वो उसके बाद समझ लीजिए आयरन एंड प्रोटीन है उसके अंदर yes. तो अब गरीब के लिए गुड़ और चना दालें सब्जियां ये खाना होता है और शराब और सिगरेट से दूर रहना होता है एल्कोहल एंड स्मोकिंग के अंदर टीबी थोड़ा ज़्यादा पाया गया एंड डायबिटीज कंट्रोल करनी होती है अगर आप कोई और दवाई ले रहे हैं खुदा न खास आर अनलकी टू हैव अ डिजीज़ जिसमें आपको स्टेरॉइड्स खाने पड़ रहे हैं या बी मोर केयरफुल कि आप टीबी के पेशेंट्स जहाँ पे ज्यादा हो वहाँ संपर्क में ना आए ताकि अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद देम इज आल्सो इंपॉर्टेंट एट टाइम्स स्पेशली इन अ क्राउडेड एरियाज लाइक रेलवे स्टेशन बस स्टॉप्स एंड मेट्रो इफ़ सम ही कैन बी ट्रांसमिटिंग इट सो यू हैव टू बी केयरफुल वेल यू आर ट्रेवलिंग Okay. Because you can get you get TB from the masses only at times. Right. Here That's comes right. the point, sir. Now here comes more con One question delivers uh, <laughs> generates more number of questions. Oh. Of course. Many questions, but to fast with this little confusion among the general masses. This is not my question. This is general wise question. I, uh, you have already delivered the answer, but I want to reaffirm it Cook, they said in 1882, and expressed that it is not genetic.

There is a confusion in my mind too, sir. Uh, I am talking about pulmonary TB at this right. moment. Pulmonary TB. Uh, often it is being said that for pulmonary diseases, uh, steroids are needed. Right. But uh, from your session hmm. and from the last session too, uh, there is an impression that for tuberculosis patients, steroids are not. No, 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 no. no, 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 no. but what No, I mean I'll clear. I'll clear yes, this. Sir. स्टेरॉयड आर लाइफ सेविंग मेडिसन्स इट इज नॉट बच्चों का खेल नहीं है स्टेरॉइड सिर्फ स्पेशलिस्ट देते हैं स्टेरॉइड आर लाइफ सेविंग मेडिसन एस्थमा में आई एल डी में ऑटोम डिजीज में स्टेरॉइड दिए जाते हैं टी बी के अंदर भी स्टेरॉइड दिए जाते हैं टी बी के अंदर अगर वाइटल ऑर्गन इन्वॉलमेंट हो जाए जैसे ब्रेन आई एबडोमिनल जिनाइटल हम स्टेरॉयड देते हैं विद अलॉन्ग विद टी बी की मेडिसिन अगर हम टी बी की दवाई के बिना टी बी के पेशे स्टेरॉयड दे कैन डाई सो इट इज़ ओनली गिवन अंडर कवर ऑफ ए टी टी एंड ओनली फॉर अ फ्यू वीक्स और मंथस स्पेशली इन मेन इंजाइटिस आई टीबी बिकॉज स्टेरॉइड आगे फाइब्रोसिस होने से बचाता है अगर ब्रेन में फाइब्रोस हो जाएगा उसकी डेथ हो सकती है yes. आप में हो गया तो वो अंधा हो सकता है कोविड yes. के अंदर भी हम इसीलिए स्टेरॉइड दे रहे थे एंड इवन इन टीबी बी हेवी स्टेरॉइड बट अगर कोई स्टीरोयड किसी और वजह से खा रहा है ऑर्गन ट्रांसप्लांट इम्यूनोसप्रेस कोई ऑटोइम्यून डिजीज है या एस्थमा है तो उसको देखना है कि वो स्टीरॉइड्स खा रहा है उस टाइम पे उसको टीबी की इंफेक्शन ना हो या पुरानी इंफेक्शन तो रीएक्टिवेट हो सके oh, okay. जैसे मैंने बताया hmm. कि थर्टी थ्री परसेंट इन्फेक्टेड है बट hmm. उनके अंदर कोई सिम्टम नहीं है वो एक्टिव hmm. डिजीज नहीं है वो सिर्फ टीबी फिर और मॉन्ट टू पॉजिटिव आएगा बट जब स्टेरॉयड्स कोई खाता है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए फॉर एनी इंडिकेशन फॉर विच ही नीड्स टू सेव इज लाइफ

Today, mm -hmm. we are cur curing all the TV meningitis. Sanjay, and we have two more questions. Please, uh, please, please. important. Please. See, uh, 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 let me go back 50 years back. Let me try to go back 50 years back when M to diagnosis of MDR and SCR, oh. team processes were, I mean, <laughs> my job. And it, it was, it was not there. <laughs> it was very it difficult. LG <laughs> medium is uh, yes, very difficult. Yes, uh, it used to take a lot of time, as you lot said, of time Very few people. Now, somebody is suffering from MDR.

And patient tha that is not responding, that was a clinical Now, we have such good tests to diagnose MDR and XDR with such sensitivity that we can easily within 72 hours to 2 now hours, you told us, yes, so we two can hours, diagnose years, yes, and in any government facility all over the country. That is the second thing I am emphasizing. Related with this sir, uh, I remember we talked to uh, Vishek Mishra uh, in January 23, uh, the radiologist uh, at Liverpool. And uh, he mentioned about this SOPs of tests. Right. Uh, Tanvi is also having the similar question that uh, you take X-rays, you take Sputum, you take smear test, you do FLAC, you take other tests. Uh, right. You take out. Even you mentioned that you take out the lymphoids outside the body. And excision biopsy. Excision biopsy. Uh, uh, similarly, uh, is there any SOP for uh, this test because C X? CT is related to that. This is all SOPs. I didn't go into it because this was not meant for doctors. There are SOPs for every test in NTEP guidelines. Okay. And there are guidelines. We cannot do any test without the guidelines. We are very. All these are SOPs. First is smear test. If Smear is positive. We have diagnosed it. Then X-ray. Then if the smear is positive, we go for CBNAT. That is gene expert. If resistance is there, then we got LPA first line to see imh resistance also then if that is for, then we go for second line lpa to see fluoroquinone resistance that is called pre-xdr then we go for the last the xdr then we go for the culture sensitivity and see mm -hmm. ki IT, individualized treatment planning chal rahi hai in government of india free oh. of cost for every patient of mdr and xdr and this is a, like a boon probably the best program in the entire world so, this is how you are planning, you are confident saying that up till 2025, uh, <laughs> with SDGs, etc., we will be uh, applying <laughs> up till 2025, though the WHO is saying for 2035. But we may go ambitious program we wish, by government. Yes. We mm -hmm. wish and we pray for it, yeah. friends. And today uh, we are running out of time. So, please do send your questions. We will get those questions answered by Dr. Chopra and Dr. Rajpal, uh, those who are with us today, even today. And we will forward those answers to you, friends. Uh, now, it is that uh, we are running short of time. So, next, now this was the final session for this financial year 2324. 24. Mm -hmm. So, we will be coming back in May 24, uh, 24 with a very startling, with a very uh, enthusiastic session with uh, Rajinder Singh Ji, who is uh, known as Waterman of India. Right. He will be speaking, and remember, friends, he is the man. Who has been credited to revive several water bodies in Rajasthan, hmm. Madhya Pradesh, and rivers as well? Uh, so he will be speaking on soil and water conservation on 10th of May 2024 at the same time 10 o'clock. Looking forward meeting you again. Please keep on sending your suggestions. We, will, we are waiting for your suggestions. We will abide with your suggestions. In next year we are going to have many other. Magnificent sessions on many startling features of the country, be in space, be in health, be in navies, be in, uh, in any other arena of society. Thank you very much, looking forward to meeting you thank you thank you so much sir uh, you have already announced the next program which is on 10th of may and i'm sure all the viewers they'll be looking forward to it so thank you so much dr gagan gupta uh, for bringing uh, dr rajpal with us and thank you so much dr rajpal for the beautiful presentation and uh, we got to know that uh, how tb diagnostics are advancing and uh, these recent advances they are going to be extremely helpful for all the people so thank you so much once again थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड लेट मी जस्ट रिपीट वंस अगेन दैट आर नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी ऑन टेंथ ऑफ मे हम दिखाना चाहेंगे आप अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं हमारा अगला कार्यक्रम होगा वाटर एंड सॉयल कॉन्जर्वेशन पर सेशन नंबर सेवेंटी सिक्स यानी कि जल एवं भूमि संरक्षण और हमारे साथ होंगे डॉक्टर राजेंद्र सिंह तो इसी के साथ हम अपना आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं जहाँ हम बातचीत कर रहे थे रिसेंट एडवाज इन ट्यूबिक्यूलोसिस डायग्नोस्टिक पर और किसी भी कारणवश आपने ई विद्या चैनल्स पर हमारे प्रोग्राम नहीं देखा है तो इसे आप थोड़ी देर में आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जो कि है एन सी ई आर टी ऑफिशियल आपको यहाँ पर ये अपलोडेड मिलेगा हमारा कार्यक्रम और आप देख सकते हैं कोई सवाल हो कोई सजेशन हो जैसा कि सर ने बताया कोई भी फीडबैक हो तो आप हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा और इसी के साथ अभी ई विद्या चैनल्स पर पूरे दिन में हमारे पास हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स आप सभी के लिए अलग अलग विषयों पर तो उन्हें भी देखिएगा कोई फीडबैक हो तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं पर फिर दोहराना चाहेंगे हमारी वेबिनार सीरीज लिसनिंग टू लर्न के जो पहले के कार्यक्रम हैं आपने नहीं देखे हैं किसी भी कारणवश तो आप उन्हें देख सकते हैं एन के इवेंट सेक्शन में और अपने सवाल हम तक पहुंचाइए आप टीबी से बचिए स्टे स्टेफ से स्टेफ एंड स्टे हैप्पी एंड जस्ट टेक ऑल द प्रिकॉशंस यू कैन फॉर टीबी Thank you so much once again and uh, I'm Tanvi Kurana. I'll take a leave of you. Namaskar.